इस धरती पर जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे वाटर मेलॉन स्क्वायर शेप्स के होते हैं, और इसे आसानी से स्टोर करने के लिए जापान ने इस फ्रूट के शेप को ही बदल डाला। तो इससे आपको जापान के अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में अंदाजा लग ही गया होगा। प्रेजेंट में इस दुनिया के सभी देश अपने आप को तेजी से अपग्रेड करने में लगे हैं, लेकिन जापान इस सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तमाम देशों से भी आगे निकल चुके हैं। आज के जापान को देखकर कौन कहेगा कि इस देश पर भी कभी न्यूक्लियर हमला हुआ था। तो यही जापानीज अपने रोजमर्रा के जिंदगी को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अनोखे तरीकों से करते आ रहे हैं। और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, जापान अपने इमेजिनेशन के जरिए ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर रहा है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो व्यस्त होने के कारण उनके पास ब्रेकफास्ट करने का भी वक्त नहीं होता, और बाद में हम रास्ते से ही अनहाइजेनिक फास्ट फूड खा लेते हैं। इसी के चलते हम छोटी उम्र में ही ओबेसिटी, डायबिटीज और शुगर जैसे बीमारियों का शिकार होते हैं। इन सारी बीमारियों से बचने के लिए जापान में रास्ते के साइड में वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करके रखा है। इसके मदद से जापानीज अपने डेली हेल्दी फूड खरीद के खा सकते हैं। इसमें आपको केला, दूध, बॉयल्ड एग और भी बहुत सारे हेल्दी फूड मिलेंगे। ये वेंडिंग मशीन से रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि जूते, कपड़े, रुमाल और टाई आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करने से ही मिल जाएगा। इंटरनेट के जरिए हम में से कईयों ने इस सुपर अम्ब्रेला की तस्वीर देखी है। इस सुपर अम्ब्रेला को तैयार किया गया है इसी देश में, क्योंकि जापान में हर वक्त बारिश का मौसम चलता रहता है, और इसी के कारण यहाँ के लोग अम्ब्रेला को लेकर कुछ ना कुछ नया डिजाइन करता रहता है। हम बारिश में छतरी इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमारे कपड़े भीग ही जाते हैं, और ज्यादा देर इन गीले कपड़ों में रहकर हम बीमार भी हो सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जापानीज इस छतरी को इन्वेंट किया था। हमारे भारत में ऐसी कुछ जगह है जहाँ पानी का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू बन चुका है, और तो और इस दुनिया में भी ऐसे कुछ देश है जहाँ पे भी यही सेम प्रॉब्लम चल रहा है। मगर हकीकत तो ये है कि इस गंभीर समस्या को सारे देश भले ही इग्नोर करे, लेकिन जापान टेक्नोलॉजी के मदद से इस मसले का हल निकल चुका है। जापान ने ऐसे फ्लैश टैंक और पिसिन इन्वेंट किया है जिसमें साफ पानी के बजाय इस्तेमाल किया हुआ पानी को रीयूज किया जाता है, क्योंकि बाकी देशों के फ्लैश टैंक्स में 7 से 8 लीटर पानी स्टोर होता है, और 24 घंटे इस्तेमाल करने के बाद वही 7 से 8 लीटर पानी पूरा वेस्ट हो जाता है। ये असल में पानी को रीयूज करने वाला एक वॉश मशीन है। भले ही ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला बेसिन की तरह ही दिखता हो, लेकिन इसका इस्तेमाल का तरीका अलग है, क्योंकि जब बेसिन को हम हाथ मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे तब उसमें इस्तेमाल हुआ पानी वेस्ट ना होकर नीचे फिट किए हुए टैंक में स्टोर होगा, और फिर उसी पानी को बाद में टॉयलेट फ्लश करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पानी का प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जापान ने एक ऐसा वॉशिंग मशीन इन्वेंट किया जिसमें कपड़े धोते समय पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और बिना पानी के ही ये कपड़े को साफ कर देता है। हम घर पर जिस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसमें पानी का ही इस्तेमाल होता है, जिसके कारण कपड़े धोने के बाद गीला हुआ कपड़ा ही निकलना पड़ता है, और फिर उन कपड़ों को हमें अलग से धूप में सुखाना पड़ता है। मगर जापान में इन्वेंट हुए इस वॉशिंग मशीन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस मशीन में कपड़े धोने के लिए और इसमें मौजूद जर्म्स को मिटाने के लिए कुछ अनोखे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और इसकी मदद से ही कपड़े में मौजूद सारे जर्म्स मिट जाते हैं, और पानी के बिना ही सारे कपड़े साफ होके ड्राई क्लीन भी हो जाता है। कारपेट्स हमारी घरों को सौंदर्यता देने के लिए और सजाने के लिए एकदम ही आइडियल चीज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही कारपेट हमारी आराम करने का जरिया भी बन सकता है? जापानीज ठंड से बचने के लिए एक ऐसे कारपेट को इन्वेंट किया जो सर्दी के मौसम में घर के फर्श को गर्म रख सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से गर्म होता है, इसलिए ये कारपेट ठंड में गर्मी का एहसास दिलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस कारपेट के टेम्परेचर 110 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इस कारपेट को साफ करना भी बहुत आसान है। अगर इस कारपेट पे खाना गिर जाए या फिर कोई दाग लग जाए तो उस दाग को बड़े ही आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आप फैमिली के साथ
या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, वैसे सिचुएशन में हम ट्रेन में आमने सामने बैठकर बातें करते हुए जाना पसंद करते हैं, पर हर बार ये संभव नहीं होता क्योंकि बस या ट्रेन में सारे सीट्स आमने सामने होने के बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन जापान के बस या ट्रेन के सीट को आप मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। अगर बस या ट्रेन में बहुत भीड़ हुआ तब आप इन सीट्स को फोल्ड करके खड़े होने के लिए जगह भी बना पाओगे। डॉग्स को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने डॉग्स को बहुत ज्यादा केयर करते हैं और जापान भी इनमें से ही एक है। तो जापान के पालतू कुत्ते को धूप में निकलते वक्त परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ इन पालतू जानवरों के लिए अलग अलग डिजाइन के सनग्लासेस बनाए गए हैं, खास करके इन डॉग्स के लिए। अब तो डिजाइनर्स भी दिन ब दिन नए नए डिजाइनों के सनग्लासेस डिजाइन करने में लगे हैं। तो इन सब जापानीज इन्वेंशन में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।